अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है भाई स्कूल का यानी यूनिवर्सिटी का दूसरा दिन है छुट्टी। जैसा कि एक हफ्ते का छुट्टी था, तो एक हफ्ते की छुट्टी भाई कहीं जावा नहीं पाया, इस वजह से ब्लॉगिंग वगैरह नहीं हो पाया। कहीं वीडियो भी क्या बनाऊँ, वीडियो कहीं जा ही नहीं रहा, तो वीडियो क्या बनाऊँ। तो फिलहाल आज दूसरा दिन है, तो कल जो है कल भी गया था। कल मेरा 2-3 दिन से तबीयत थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, तो भाई जानते हो कि तबीयत वबीयत सही नहीं रहता है तो अच्छा कुछ नहीं लगता है। तो फिलहाल जो है आज जो है दूसरा दिन है यूनिवर्सिटी जाने का, और जैसा कि चाय वाय बना रहा हूँ, ये देखिए चाय वाय बन रही है अपनी, बस तैयार हो रहा हूँ और आधे घंटे में इंशाल्लाह निकलेंगे। अभी 9:30 बज रहा है, तो 10 बजे तक हो सकता है निकलेंगे यूनिवर्सिटी के लिए। फिर वहाँ से आएंगे या वहीं पर इंतजार करना पड़ेगा, देखो क्या होता है, क्योंकि वेटिंग का ही पैसा यहाँ पर मिलता है भाई। सऊदी अरब में हाउस ड्राइवरी के काम में वेटिंग करना लाजिम है, यानी लेट अगर छुट्टी होगी तो वहीं जल्दी चले आएंगे, वहीं से छोड़ कर चले आएंगे। और अगर जल्दी निकलना रहेगा, 1-2 घंटे का वेटिंग करना रहेगा, तो वही इंतजार कर लेता हूँ फिर, क्योंकि आने जाने में जो है मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो फायदा नहीं है कि आऊँ फिर जाऊँ, अगर 4-5-6 घंटे का अगर इंतजार करना रहे तो भाई वहाँ से चले जाता हूँ रूम पर। तो फिलहाल जो है चाय वाय बन गई हमारी, ये देखिए, तो नाश्ता करेंगे। नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर जो है निकलेंगे यूनिवर्सिटी। तो भाई 10 बज गया है, अब निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि मेरा सुबह का सबसे पहला काम है यूनिवर्सिटी का। तो फिलहाल जो है मैं 2 बोतल पानी ले लेता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर पानी वगैरह नहीं है, तो इस वजह से बकाला है, थोड़ा दूर है, तो इस वजह से 2 बोतल पानी मैं ले लेता हूँ रास्ते के लिए। हालांकि पानी जो है गर्म हो जाता है, फिर भी जो है ना रहने से तो अच्छा है कि रहे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो काम आएगा। तो चलते हैं बाहर और गाड़ी वगैरह स्टार्ट करके रेडी रहते हैं। बाकी तो मौसम ठीक है, देखिए आप बाहर धूप किस तरीके से है, बाकी उतना धूप नहीं लग रहा है। नवंबर का महीना चल रहा है, जैसे कि अपने यहाँ तो भाई सर्दी का मौसम चालू हो गया है। घर और पे बात करता हूँ तो थोड़ा सा मौसम ठंडा है वहाँ पर उतना ठंडा नहीं है, मतलब उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है। आप लोग बताएं कि कहाँ से हैं और ठंडी कैसे है आपके शहर में, आपके गांव में किस तरीके की ठंडी का मौसम है, अभी ठंडी ज़ोरदार पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। बाकी ये दोनों बैठी हैं। तो गाइस यूनिवर्सिटी अभी पहुँचा हूँ और इस वक्त 11 बजने वाला है, 11 बजने 10 मिनट बाकी है, और ये यूनिवर्सिटी का पार्किंग है, आप जैसे देख सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो में दिखाया भी हूँ आप लोग। तो फिलहाल हम चल रहे हैं घर पर, और यार ये गाड़ी जो है ना बहुत परेशान करके रखी है भाई। गाड़ी का बैरिंग चले गया है, गाड़ी का हब चले गया है, गाड़ी का स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट थोड़ा मुश्किल से हो रही है। और दूसरी बात कि गाड़ी बताओ, ऑटोमेटिक कार है, ठीक है, ऑटोमेटिक कार है, इसको बंद नहीं होना चाहिए, पर ये जो है कभी कभी बंद हो जाती है, तो ये भी मसला है। मतलब कुल मिला के बहुत सारे मसले हैं इस गाड़ी में, और मैं भाई 1 महीने से कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि गाड़ी का बैरिंग चले गया है। बैरिंग का आप आवाज़ सुन सकते हैं, कम सुनाई देता होगा, पर आवाज़ आप समझ सकते हैं कितना। अभी स्पीड में चलूँगा तो बहुत बुरा आवाज़ आएगा, ऐसा लगेगा कि बैरिंग वैरिंग फट के निकल जाएगा इसका। और स्पीड में चलता हूँ तो स्पीड में चलने के बाद अगर गाड़ी को ब्रेक मारता हूँ तो गाड़ी जो है वाइब्रेशन करती है, यानी कांपती है। तो देखो बैरिंग का आवाज़ सुनो, आप लोग देख रहे हैं कितना बुरा आवाज़ आ रहा है बैरिंग का, क्या करें। मतलब ड्राइवर की गाड़ी का कोई तवज्जो ही नहीं है भाई, कि ड्राइवर कैसा गाड़ी चला रहा है, इनको काम से मतलब है, काम हो रहा है बस। अब गाड़ी ख़राब जिस दिन हो जाएगी वहीं पर इसको छोड़ दूंगा, जहाँ ख़राब हुई वहीं खड़ी कर दूंगा और सीधा टैक्सी पकड़ूंगा, सीधा घर पर ये करूँगा। क्योंकि मैं सबको बोल चुका हूँ, कपिल को बोला, मैडम से बोला, लड़के से भी बोला, मतलब सबसे बोल चुका, घर में सबसे बोल चुका, मेरी गाड़ी सही नहीं चल रही है। और ज़्यादा खर्चा नहीं है भाई, 500-600 रियाल में पूरी गाड़ी कम्प्लीट हो जाएगी। ड्राइवर की गाड़ी जो है ज़रूरी है कि मेनटेन रखना, पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे भाई। 1-1.5 महीने से बोल रहा हूँ कि गाड़ी जो है कम्प्लीट करवा लो, क्योंकि कहीं भी कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि सारा काम ड्राइवर की गाड़ी से ही होता है, और ज़्यादातर गाड़ी जो है ड्राइवर की ही चलती है, क्योंकि इसी से सारा काम होता है। फिर भी जो है तवज्जो नहीं दे रहे कोई, तो भाई जिस दिन ख़राब हुई गाड़ी उसी दिन जो है वहीं पर खड़ी करके चले जाऊँगा, चाहे जहाँ खड़ी हो। देखो बैरिंग क्या है कि गर्म होने पर, हीट होने पर आग भी लग सकती है गाड़ी में। तो फिलहाल हम चल रहे हैं घर पर। तो दोस्तों ये जगह जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अभी ना,
ये जो है ना, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, अक्सर रात में मैं ये सीन को दिखाता हूँ। इस जगह के लोकेशन में रात में ज्यादातर दिखाया हूँ, क्योंकि रात के ही समय मैं आया हूँ इस जगह पर। आज मैं दिन में आया हूँ और ये जो है एरिया आप देख सकते हो भाई। ये देखो, ये है एक पेट्रोल पंप जो कि उखड़ा फुकड़ा है पूरा। इधर भी देखो मशीनें वगैरह लगी हैं, पर बहुत पुरानी हो गई है, सब टूट गया है। और ये एरिया जो है ना, पहले यहाँ पर गाड़ियों का काम वगैरह होता था, बहुत बड़ी मार्केट थी इधर, तो यहाँ पर बहुत सारे गाड़ियों का काम होता था सिर्फ। तो अभी जो है ना, ये सब तोड़ ताड़ के पूरा बराबर कर दिया भाई, और नया जिद्दा जो है बन रहा है। अगर आप जो भी बंदा भाई पहले आया होगा जिद्दा में, सऊदी अरब के जिद्दा में, अगर वो 2-5 साल के बाद अगर आएगा ना, तो भाई बिल्कुल भी नहीं पहचान सकता कि ये वही जिद्दा है, क्योंकि अभी हर एरिया तोड़ तोड़ के नया बनाया जा रहा है। तो नया जिद्दा बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, पूरा तोड़ दिया है। ये देखो पूरा अंधेरा रहता है भाई रात में। मैं कई बार आया हूँ, दिखाया भी हूँ। ये देख रहे हैं, पूरा कहीं पर कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। और ये सिटी के अंदर है, ऐसा नहीं कि गांव वगैरह है, ये है सिटी के अंदर। आप देख सकते हैं, वो दूर दूर पे देखो थोड़ा बहुत जो घर दिख रहे हैं, वो सब जो है दुकानें वगैरह है। बाकी ये सब जो है एरिया, ये बंगालियों का एरिया है भाई। यहाँ पर जितने भी आपको मिलेंगे सब बंगाली मिलेंगे, बांग्लादेशी मिलेंगे। तो यही अंदर एक चाय की दुकान है, जो अपने यूपी के गोरखपुर के हैं, वो हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के यहाँ चाय वगैरह पीने आता हूँ मैं। तो ये जगह है देखो बंगालियों का पूरा। चाय वो भी पी लिया अच्छे से, अब जो है चल रहा हूँ घर पर। और ये जो है मैं खड़ा हूँ जहाँ पर, देखो ये बस है एक, और ये पीछे जो है मेरे एरिया जो है, ये बहुत ही बड़ा एरिया था, सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया है। तो जैसे मैं बताया ना कि न्यू जिद्दा बन रहा है, तो यही है देखो, ये सब पूरा टूट रहा है, सब तोड़ दिया है। अब यहाँ पर बनेंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर जिद्दा में बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली हैं, तो वो चाहे सिविल इंजीनियरिंग का हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का हो, चाहे प्लम्बरिंग का हो, तो मतलब बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी नौकरियां मिलने वाली है जिद्दा में। अगर जिद्दा आप लोग आएंगे तो बहुत सारे काम आपको मिल सकते हैं। तो ज़्यादा कोशिश करिएगा कि जिद्दा में आने के लिए, क्योंकि जिद्दा अभी न्यू डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पर नौकरी भी बहुत ज़्यादा निकलेगी, नौकरी भी बहुत ज़्यादा निकलने का चांस है, और अच्छे अच्छे काम मिलेंगे। तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा जिद्दा आने के लिए। तो भाई जैसे आया घर पर पहुँचा, वैसे फिर से फ़ोन आ गया। पानी ले लूँ यार भाई, पानी जो है, पानी की दिक्कत बहुत रहता है। तो फ्रिज मेरा पानी पूरा भरा हुआ है, फ्रिज इसमें से अपना एक एक बोतल लेके जहाँ जाता हूँ भाई, वहाँ निकल जाता हूँ। देख रहे हैं 12:20 हो रहा है, अब मुझे यहाँ से 1 बजे तक पहुँच जाना है, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। वैसे आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि भाई मेरा जो यूनिवर्सिटी का काम है, तो ये लास्ट साल है, मतलब कि इस साल से मेरा जो है यूनिवर्सिटी का काम खत्म हो जाएगा। फिर ऊपर वाला जाने भाई कि मेरा काम रहेगा, जॉब रहेगी मेरी कि छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मेन इनका काम जो रहता है वो यूनिवर्सिटी का ही रहता है। तो कुल मिलाकर भाई कि यूनिवर्सिटी का काम जो है इस साल ख़त्म हो जाएगा। अब अगले साल देखो इंशाल्लाह शायद हो सके कि डॉक्टरी का ट्रेनिंग हो जाए इनका, तो वहाँ पर अगर ड्यूटी लगेगी तो ठीक है, नहीं तो ड्यूटी जो है ख़त्म हो जाएगा मेरा भी, तो हो सकता है कि मेरी भी छुट्टी हो जाए, मैं भी इंडिया पहुँच जाऊँ। बाकी बहरहाल वो सब रिज्क देने वाला ऊपर वाला है, एक दरवाज़ा बंद होता है रिज्क का, तो अल्लाह पाक 10 दरवाजे खोल देता है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ज़रूर करके देगा, तो उसका टेंशन नहीं है, रिज्क की बात नहीं है, अल्लाह पाक कहीं ना कहीं ज़रूर व्यवस्था कर देगा। बताना ये चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरा जो है यूनिवर्सिटी का काम ख़त्म हो गया है इस साल, तो हो सकता है कि मैं इंडिया में पहुँच जाऊँ। तो भाई आज फंस गया हूँ, आज यूनिवर्सिटी से निकला हूँ और 1 बजे निकला हूँ यूनिवर्सिटी से, और जो है अभी जिस जगह पर हूँ 1.5 घंटा हो गया मुझे वेटिंग करते हुए, और पता नहीं है कि कब पहुँचूँगा घर पर। तो खाना वाना कुछ नहीं खाया हूँ भाई, मतलब कि देखो कोई टाइमिंग तो फिक्स नहीं है कि कब कितने बजे पहुँचूँगा घर पर, खाना वाना कब मिलता है नसीब में। फ़िलहाल वेटिंग करना है, और वेटिंग का ही पैसा मिलता है भाई सऊदी अरब में ड्राइविंग। तो फ़िलहाल जो है हम अभी यहाँ पर हैं, एक कॉफ़ी शॉप है कहीं, तो वहीं पर जो है वेटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर सामने सब कॉफ़ी शॉप है, तो वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो
भाई बैठे बैठे एक जगह बोर हो रहा था, तो थोड़ा गाड़ी निकाल कर तो हम सोचे थोड़ा चक्कर मारते हैं भाई। बस यूँ गलियों में देखिए भटक रहे हैं ऐसे। सुपर मार्केट ढूंढ रहा हूँ यार, कहीं बकाला वगैरह मिल जाए तो पानी वानी पीने का दिल कर रहा था, पानी ले लो क्योंकि पानी है नहीं मेरे पास, प्यास लग रही थी। तो दोस्तों फाइनली जो है 4 बजे आ गया घर पर, तो अभी लग रहा है भूख भाई, पहले खाना गर्म करेंगे उसके बाद फिर खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर दूसरा काम होगा भाई जो होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं खाना गर्म। तो खाने में हमने बनाया था भाई अंडे की सब्जी, ये देख सकते हैं। अब इसको होने देंगे गर्म, तब तक हम वगैरह धो के एकदम फ्रेश फ्रेश होके फिर अच्छे से खाना खाएंगे।